हिंद, भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2017 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं और ये हमारा पार्ट वन होगा। इससे पहले हम सभी ने इंडियन आर्मी के टेक्निकल के 2019 और 2018 के पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपसे 2019 और 2018 के पेपर मिस हो गए हो तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 2018 और 2019 के पेपर को भी देख सकते हो। तो चलिए आज हम सभी देख लेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर को। एक बार क्वेश्चन देखने से पहले रफली थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले हो जाएगा जीके, ठीक है। जीके से आपके टोटल हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा देख लो रीजनिंग, और रीजनिंग से अभी आपके हो जाएंगे टोटल 5 क्वेश्चन। और रीजनिंग के बाद आपका हो जाएगा फिजिक्स, फिजिक्स से आपके होंगे टोटल 15 क्वेश्चन। फिर आएगा आपका मैथ, मैथ से भी हो जाएंगे टोटल आपके 15 क्वेश्चन। और मैथ के बाद हो जाएगा देख लो आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से आपके हो जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 और 5 10 और 15 25 और 15 40 और 10 50, टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हम सभी पार्ट वन में जीके के 5 क्वेश्चन कर लेंगे, रीजनिंग के 5 कर लेंगे, हो गए 10, और 15 कर लेंगे फिजिक्स के, हो गए टोटल 25। तो आज हम सभी यहां तक करने वाले हैं, 5 जीके के, 5 रीजनिंग के और 15 फिजिक्स के, और बाकी जो 15 क्वेश्चन मैथ के हैं और 10 केमिस्ट्री के उसको हम लोग अपने पार्ट टू में करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, यदि आपको और भी डीपली तरीके से जानना हो इंडियन आर्मी टेक्निकल के सिलेबस को, ये तो मैंने केवल सब्जेक्ट बताया कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको और डीपली जाना हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, और फिर बात करें तो क्या बेस होगी, क्या लेवल होगी, क्या निगेटिव मार्किंग है, कितना नंबर मिलेगा, फुल मार्क्स क्या होगा, कितना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, कट ऑफ क्या होगी, ये सारी जानकारी आपको, आपके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया उसमें दे दी है। तो यदि आपको ये सारी जानकारी चाहिए हो तो इसके लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर जाकर आप इंडियन आर्मी टेक्निकल के सिलेबस को देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू की जाए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। बताना है में से किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ए महमूद गजनी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर डी जलालुद्दीन खिलजी। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, और वो किया गया था आपका 712 ईस्वी में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दो नंबर सवाल दिया गया है, तख्ते ताज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। पूछा गया कि तख्ते ताज पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक क्या था। ये देखिए, तख्ते ताज क्या था, तो तख्ते ताज एक सिंहासन था, ठीक है, तख्ते ताज एक सिंहासन था। तबसे पूछा गया कि तख्ते ताज नामक सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखिए, तख्ते ताज को हिंदी में मयूर सिंहासन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तो इसे मयूर सिंहासन भी बोला जाता था, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन भी बोला जाता था। और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था वो सी मोहम्मद शाह था, ठीक है। कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। अब यदि बात की जाए कि तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था, तो तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, देख लीजिए, शाहजहां ने। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, शाहजहां ने निर्माण करवाया था तख्ते ताउस का मयूर सिंहासन का, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल कर लेंगे। तीन नंबर सवाल किया गया, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमें बताना है कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, या फिर डी अरुण। पूछा गया है कि कौन सा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ए बृहस्पति, बी शनि, सी पृथ्वी, या फिर डी, ये बी है, सी नहीं, ये बी है यहाँ पे, बी शनि, सी पृथ्वी, या फिर डी अरुण। तो देखिए, आकार में ये जो बृहस्पति जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फर्स्ट पोजीशन पे, और ये है देख लो आपका अरुण थर्ड पोजीशन पे, और ये पृथ्वी जो है ये है देख लो आपका फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिर यहाँ पर एक कौन बचा, बचा है शनि। तो इसका मतलब सेकेंड पोजीशन में आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका शनि। देख लिया आप सबने, हमसे पूछा गया था कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो हो गया वो शनि, सेकंड पे है बृहस्पति, फर्स्ट पे अरुण, थर्ड पे, और पृथ्वी है पांचवें नंबर पे आकार में। तो चलिए, हमारा क्या आंसर हो गया, तो हमारा आंसर है बी, और बी में दिया गया है शनि। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 चार नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तीन नंबर सवाल दिया गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी।
सॉरी, ये तीन नहीं, ये चार नंबर हो गया हमारा, क्योंकि तीन तो हमने कर लिया था। चार नंबर सवाल दिया गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ए मीरा कुमार, बी वायलेट अल्सा, सी इंदिरा गांधी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन हो गई? सी नंबर ऑप्शन, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि केवल जीके से 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए देख लेंगे 5 नंबर सवाल दिया गया, सर्वाधिक पशुओं वाला देश है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक पशुओं वाला देश है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, या फिर डी ब्राजील। तो देखिए, सर्वाधिक पशुओं वाला जो देश है वो है आपका भारत। कौन सा सर्वाधिक पशुओं वाला देश? तो सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत, हमारा इंडिया। चलिए, हमारे यहाँ पे जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम सभी रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर सवाल दिया गया है, विषम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल दिया गया, विषम की पहचान करें। हमें यहाँ पर एक ऐसा बताना है जो कि ये तीन समूह में नहीं मिल रहा है, ए किताब, बी पेंसिल, सी कलम, या फिर डी चौक। ऐसा इनमें एक कौन सा ऑप्शन है जो कि बाकी तीन ऑप्शन के ग्रुप में नहीं है, उनके समूह के साथ नहीं है? तो देखिए, कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं, चौक से भी बोर्ड पर लिखा जाता है, और पेंसिल से भी लिखते हैं। इन तीनों का प्रयोग जो है लिखने के लिए किया जाता है, लेकिन किताब का प्रयोग जो है पढ़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अलग कौन है? ये तीन समूह है लिखने वालों का, यहाँ पे अलग क्या है? किताब है, किताब पढ़ने वाले समूहों में से है। यहाँ पे विषम क्या हो गया? ए नंबर ऑप्शन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल दिया गया, गलत पद की पहचान करें। हमें यहाँ पे गलत पद बताना है कि गलत पद कौन है। पहले पद जो दिया गया उसे लिख लेंगे, 5, 9, 15, 23, 34, 45, 59, यही है ना? देखेंगे यहाँ से यहाँ में क्या अंतर है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, ठीक है, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा। अब क्या होगा, आगे कितना जोड़ेंगे? तो देखिए, 2-2 बढ़ाकर जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ रहा है, फिर 2 बढ़ाकर 6 जोड़ रहा है, फिर जो 2 बढ़ाकर अगला पद में 8 जोड़ रहा है, तो इस तरह फिर 2 बढ़ाकर हम अगला पद में कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे, फिर 23 में 10 जोड़ेंगे तो होगा 33, तो यहाँ पे होना चाहिए था 33, लेकिन अभी कितना है? 34, तो यही ना गलत निकल रहा है, हमारे यहाँ पे 33 होना चाहिए। चलिए 33 से आगे देख लेंगे कि 33 सही है या नहीं। तो मानिए यदि ये 33 है, ठीक है, हमारा आ रहा है 23 में 10 जोड़ने पर 33 आ रहा है, तो अब यदि 33 आ रहा है, ठीक है, तो अगला पद देख लेंगे सही है, सही में 33 आएगा या नहीं। तो अगला में कितना जोड़ेंगे? तो अगला में देखिए, यदि 10 जोड़े थे तो अगला में 2 बढ़ा के जोड़ेंगे, मतलब 12 जोड़ेंगे, तो 33 और 12 कितना होता है? तो 45 होता है, तो सही आ रहा है। अब 45 में कितना जोड़ेंगे? तो 2 बढ़ाकर मतलब 14 जोड़ेंगे, तो 45 और 14 59 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत यहाँ पे कौन है? तो 34। तो ऑप्शन आपका बी जो है गलत है, बी नंबर पद जो दिया गया वो गलत है, बी नंबर आंसर हमारा हो गया। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ, तो अगला हमें बताना है क्या होगा। तो चलिए लिख लेंगे, ए बी सी फिर है डी ई एफ, और आगे बताना क्या होगा। तो ए के बाद क्या हो, ए इसका पहला ए है, इसका पहला डी, तो देख लीजिए, ए के बाद आता है बी सी डी, 2 अंक छोड़ के लिखा गया है। ए के बाद क्या आता है? ए के बाद बी और सी आता है, तब डी आना चाहिए था, मतलब 2 अंक छोड़ के लिखा डी, तो सर अभी 2 अंक छोड़ के लिखेंगे डी के बाद होगा ई एफ, तो एफ का अगला लिखेंगे यहाँ पे जी। अब क्या है, बी है, बी के बाद क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, ठीक है, बी के बाद क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, तो बी के बाद क्या आता है? सी और डी आता है बीच में, तब ई होता है, तो मतलब कि 2 अंक छोड़ा जा रहा है और ई लिखा गया है, तो ई के बाद क्या होगा? तो ई के बाद होगा एफ जी, तो हम लोग अगला डेट क्या लिखेंगे? वो हो गया एच। चलिए अब दिया गया सी और यहाँ पे है एफ, तो क्या होगा? सी के बाद होता है डी ई, तब होता है एफ, तो 2 अंक छोड़ा जा रहा है। उसी तरह एफ के बाद क्या होगा? तो एफ के बाद होगा ए ई एफ जी एच, तो 2 अंक छोड़ कर लिखा जाएगा अगला आई, तो हमारा सही उत्तर क्या है? जी एच आई, और ये दिया गया है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ए में क्या है? तो ए में है जी एच आई। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है कि जीवन, आत्मकथा, गवाह, और फिर आगे वर्ड का सही लगाया गया है। बताना है यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जीवन क्या संबंध है, ये बताना है। जिस तरह से जीवन का संबंध आत्मकथा से है, उसी तरह गवाह का संबंध इनमें से किससे है।
तो जीवन का किस प्रकार का संबंध है आत्मकथा से? तो देखिए, हम जीवन के बारे में अपने आत्मकथा में ही लिखते हैं, अपनी आत्मकथा में ही बताते हैं। तो जब उसके बारे में बताना होगा अपने जीवन के बारे में, तो जब गवाह आता है तो वो किसके बारे में बताता है? जो दस्तावेज होते हैं, जो सबूत होते हैं, उसी के बारे में वो बताता है गवाह। तो इसीलिए इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, और यहाँ पे दिया गया है बी में दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में विषम की पहचान करें। हमें यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विषम, इनमें से अलग की पहचान करना है, जो अलग है, जो विषम है। ऑप्शन दिया गया A19, B9, C7 या फिर D13। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका यहाँ पे देख लो 9। कैसे 9 है, 9 कैसे इन तीनों से अलग है? तो देखिए, 19 जो एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या। कैसे अभाज्य संख्या है? तो वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप बताओ, क्या 19 किसी और से कटेगा, क्या 7 किसी और संख्या से कटेगा, 13 किसी और संख्या से कटेगा? बिल्कुल नहीं, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ये अकेला है तो 9 से 9 तो 3 से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये हो गया बी हमारा, जो यहाँ पे भिन्न है, अलग है। चलिए, इसी के साथ हमारा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के होंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में समय का मात्रक नहीं है, बताना है कि निम्न में से कौन जो है वो समय का मात्रक नहीं है। ए ऑप्शन है अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अधिवर्ष कहने का मतलब है कि आधा साल, तो समय का ही मात्रक हो गया कि आधा साल बीत गया तो समय ही बीत गया। चंद्रमा, जो चंद्र से महीने का पता लगाया जाता है कि अभी पूर्णिमा चल रहा है, अमावस्या चल रहा है, ये चंद्रमा है, तो इस बेसिस से भी ये आपका समय का ही मात्रक है। लेकिन अगर प्रकाश वर्ष की बात करें तो प्रकाश वर्ष देखो दूरी का मात्रक है, बताया जाता है इतना प्रकाश वर्ष दूर हमसे एक ब्रह्मांड है, एक तारा है, एक सूर्य है, इतना प्रकाश वर्ष हमसे दूर है, ये ग्रह हमसे इतना प्रकाश वर्ष दूर है, तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। इसलिए यहाँ पे कौन समय का मात्रक कौन नहीं है, तो वो है आपका सी, सही उत्तर हो गया हमारा सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल दिया गया है, बल का गुणनफल होता है, बताना है कि बल का गुणनफल क्या होता है, बल किस किस चीज से मिलकर बनता है, बल का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन दिया गया ए द्रव्यमान और वेग, बी द्रव्यमान और त्वरण, सी भार और वेग, डी भार और त्वरण। तो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं आपसे एक फॉर्मूला डिस्कस करता हूँ। एफ बराबर क्या होता है, बल निकालने का सूत्र क्या है, बल पता करने का, आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स तो बनाए ही होंगे, क्या होता है बताओ। अगर आप टेक्निकल में आ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स डिपेंडेंट तो होने ही पड़े, क्योंकि टेक्निकल आप 12th लेवल का फॉर्म अप्लाई किए हुए हो। तो सीधी सी बात है ना कि बल बराबर एक फॉर्मूला होता है बल निकालने का, वो क्या है, तो वो देखिए होता है एफ बराबर एम ए, ठीक है, एम ए होता है, मैंने इसको बड़ा में लिखा है, ये छोटा में भी आपको मिल सकता है, चलो स्मॉल बी कुछ भी हो सकता है, ए बराबर एम ए। तो यहाँ एम से क्या है, एम से देखो यहाँ पे आपका मास, और ए से क्या है, तो ए से है एक्सीलरेशन, ठीक है, मास एक्सीलरेशन। मास का मतलब क्या होता है बताओ, द्रव्यमान होता है, और एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो किस किस चीज से मिलकर बना, द्रव्यमान और त्वरण से, कहाँ पे दिया गया है, बी नंबर में, तो हमारा सही उत्तर है बी। इसीलिए फॉर्मूले जरूर याद कर लिया करें फिजिक्स का, क्योंकि डिपेंडेंट होंगे न्यूमेरिकल्स पे, काफी ज्यादा आ जाएगा। चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर सवाल दिया गया है, एक किलोग्राम राशि का वजन है, बताना है कि एक किलोग्राम राशि का वजन क्या होगा, ए 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन या फिर डी 9 न्यूटन। तो देखिए, एक किलोग्राम राशि का जो वजन है वो होगा सी 9.8 न्यूटन। न्यूटन में यदि एक किलोग्राम को निकालेंगे तो वो आता है 9.8 न्यूटन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल किया गया, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बताना है कि पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है, ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर डी -1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, इसका सही उत्तर है वो है बी, पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर सवाल दिया गया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, बताना है कि जब हम लोग दूध से जो क्रीम बनाते हैं उसमें कौन सा बल लगता है, ए अपकेंद्रीय बल, सी अभिकेंद्रीय बल, डी यांत्रिक बल, या बी सी यांत्रिक बल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है अपकेंद्रीय बल, दूध से क्रीम बनाने में जो बल लगता है वो है अपकेंद्रीय बल। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल किया गया, श्यानता की इकाई है, बताना है श्यानता की इकाई क्या होती है, ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजूलो, डी इनमें से कोई नहीं। कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजूलो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही उत्तर है वो है ए पॉइज।
श्यानता की इकाई कौन है? तो प्वाइज है, श्यानता की इकाई प्वाइज है। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल किया जा रहा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित थे, बताना है कि आर्किमिडीज कहां से थे, ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी चीन से, या फिर डी ग्रीस से। तो देखिए आर्किमिडीज जो है वो आपका ग्रीस से संबंधित थे, वो ग्रीस के निवासी थे। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया है, ध्वनि तरंगे हैं, बताना कि ध्वनि तरंगे क्या है, ए लंबवत, बी तिर्यक, सी चतुर्भुज, या फिर डी अर्धलंबवत। तो देखिए ध्वनि तरंगे जो हैं वो लंबवत होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे ए लंबवत है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया है, सुनार अधिकतम प्रयोग में लाए जाते हैं, बताना है कि सुनार अधिकतम प्रयोग में किसके द्वारा लाए जाते हैं, ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, या फिर डी नौसंचालकों द्वारा। तो देखिए सुनार जो है वो प्रयोग किया जाता है नाव को चलाने के लिए, जब समुद्र में नाव जहाज को चला रहे हो तब सुनार का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन चलाता है आपका नाव, या बोल सकते हो कि समुद्री जहाज, तो वो चलाते हैं नौसंचालक। तो हमारा सही उत्तर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देख लेंगे। 20 नंबर सवाल दिया गया है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है, हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, ए 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर डी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप है वो होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नंबर ऑप्शन फ़ारेनहाइट में होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि सेल्सियस की बात करूँ तो करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, हमें बताना है कि निम्न द्रवों में से कौन सा जो द्रव है वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, ए पारा, बी पानी, सी ईथर, या फिर डी बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर जो चार लिक्विड दिए गए हैं, जो चार द्रव दिए गए हैं, उनमें से ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो है आपका पारा। चलिए क्या हो गया हमारा ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन है ए में दिया गया है पारा। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल दिया गया, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, हमसे पूछा गया कि प्रकाश की जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपयुक्त दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश की जो तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है प्रकाश की तरंग? तो प्रकाश की तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 देख ले। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर सवाल दिया गया है, माध्यम में तापमान में वृद्धि करने पर प्रकाश की चाल होती है, बताना है कि जब आप माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रही है, ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रही है, तो जब आप उस माध्यम में तापमान की वृद्धि करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, प्रकाश की चाल और बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस माध्यम से प्रकाश जा रही है, यदि उस माध्यम में आप तापमान बढ़ाते हो तो वो तब क्या होगा कि आपका प्रकाश की गति जो है वो बढ़ जाएगी। क्या होगा? प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की चाल बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दिया गया, सवाल दिया गया, चंद्र ग्रहण घटित होता है, बताना है कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्ध चंद्र के दिन, या फिर डी ए और बी दोनों। तो देखो मैं आपको इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसके बाद जो सही ऑप्शन है वो लिख दें, सही उत्तर को लिख दें, किस दिन चंद्र ग्रहण लगता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या फिर ए और बी दोनों, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन। आप कमेंट करके बता सकते हैं ऑप्शन नंबर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल दिया गया, मृग तृष्णा उदाहरण है, बताना है कि मृग तृष्णा जो मरीचिका जो आपको रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं कि पानी न होते हुए पानी दिखता है, या फिर जब आप गर्मी के दिनों में सड़क पर गाड़ियां चला रहे होंगे या गाड़ी में सफर कर रहे होंगे तो आपको आगे दिखते हो कि कहीं सड़क पर पानी पड़ा हुआ है लेकिन वो होता नहीं है, उसी को मृग तृष्णा या मरीचिका बोलते हैं। तो बताना है कि मृग तृष्णा मरीचिका किसका उदाहरण है, ए अपवर्तन का, बी परावर्तन का, सी विक्षेपण का, या फिर डी विवर्तन का। तो देखिए मृग तृष्णा मरीचिका जो उदाहरण है वो है अपवर्तन का। तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो गया ए। इसी के साथ हमारे हमारा पार्ट वन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है। ये पार्ट टू नहीं, ये पार्ट वन था, सॉरी ये पार्ट टू यहाँ पे लिखा दिया गया था, ये पार्ट वन है आपका, ठीक है, ये मिस टाइप हो गया था, ये पार्ट वन है।
पार्ट वन ये हमारा, ठीक है, पार्ट वन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, टोटल 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम सभी पार्ट टू लेकर आएंगे आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।